बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक। दिस इज़ पार्ट टू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डेटा। इससे पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास तीन किस्म के कंट्रोल्स हैं, लो, नॉर्मल और हाई कंट्रोल। हमने उसकी 20 डेटा सेट या डेटा पॉइंट हमारे पास आ गए, फिर हमने उसके मीन निकाल दिए, स्टैंडर्ड डिविएशन हमने निकाल दिया, फिर इसको ग्राफ में पुट किया और हमने एलजे चार्ट्स बना दिए। अब हमने उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। इंटरप्रिटेशन का मतलब यह है कि आया हमने जो कंट्रोल लगा दिया और उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, आया हमारे जो कंट्रोल हैं वो ठीक हैं या ठीक नहीं है, मींस के आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसके लिए क्या करेक्टिव मेजरमेंट्स करनी चाहिए और उसकी जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे करनी चाहिए और फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं ताकि हम पेशेंट्स को रिपोर्ट जनरेट करें और एक क्वालिटी रिपोर्ट जनरेट करें। तो आज के लेक्चर में हम इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डेटा पढ़ेंगे। तो प्लॉटिंग कंट्रोल वैल्यूज, जैसे हमने जिक्र किया कि एक्यूसी सैंपल टेस्टेड अलॉन्ग विद पेशेंट सैंपल्स कैन नाउ बी यूज टू डिटरमिन इफ डेली रन्स आर इन कंट्रोल्स आर आउट ऑफ कंट्रोल्स, कि हम जो कंट्रोल लगा रहे हैं कि आया ये इन कंट्रोल हैं कि नहीं है, मीन्स कि पेशेंट का जो रिपोर्ट है वो ठीक है कि नहीं है, जब हमारे जो कंट्रोल हैं वो आउटसाइड दी वैल्यू हो, मीन्स की कंट्रोल आउट ऑफ रेंज है, तो क्या हम पेशेंट्स को रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो द आंसर इज नो। इफ योर कंट्रोल इज आउट ऑफ कंट्रोल देन इट मीन्स दैट देयर इज सम एरर इन द सिस्टम, या तो आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है या जो इंडिविजुअल जो कि ऑपरेट कर रहा है वो सही तरीके से प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा, या आपके टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए पेशेंट्स को हम रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे अनलेस एंड अंटिल जब हम अपने कंट्रोल को ठीक ना करें। तो जब भी आपने पेशेंट का सैंपल लगाना है तो उससे पहले यू हैव टू रन योर कंट्रोल्स। अब हमारे पास 20 डेटा सेट आ गया, हमने एलजे चार्ट्स बना दी, फिर इसकी अब हमने क्या करनी है, इंटरप्रिटेशन करनी है। तो रन द कंट्रोल एंड प्लॉट इट ऑन एलजे चार्ट्स, जो कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। इफ द वैल्यू इज विद इन 2ST द रन कैन बी एक्सेप्टेड एज इन कंट्रोल, मींस कि अगर हमारा डेटा प्लस माइनस 2ST के दरमियान आ रहे हैं, मींस कि 95% जो डेटा है वो 95% के अंदर अंदर आ रही है, तो इट मीन्स कि हमारे जो कंट्रोल है वो ठीक जा रहे हैं। लेकिन अगेन यहां पर कुछ और चीजों की भी एक्सप्लेनेशन जरूरी है कि अगर हमारा डेटा 2ST के दरमियान आ रहे हैं, फिर भी हम कह सकते हैं कि देयर इज सम सिस्टमेटिक एरर्स अगर, तो क्या हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले नंबर वन रूल क्या होगा कि अगर हमारे एलजे चार्ट्स में कंट्रोल प्लस माइनस 2ST के अंदर अंदर आ रही है, तो इट मीन्स कि हमारी जो वैल्यू है कंट्रोल की वो बिल्कुल ठीक है और ये एक्सेप्टेबल है। नाउ ये एलजे चार्ट्स, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये मीन है, ये प्लस ST, 1ST, ये माइनस 1ST, ये प्लस 2ST, ये माइनस 2ST, ये प्लस 3ST और ये माइनस 3ST। अब एक कंट्रोल हमने लगा दिया तो इसकी वैल्यू लेट्स सपोज ये आ रही है, दूसरा कंट्रोल हमने लगा दिया उसकी वैल्यू ये आ रही है, और तीसरा कंट्रोल हमने लगा दिया उसकी वैल्यू ये आ रही है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। तो अगर हम देखें हमारे पास तीन कंट्रोल्स हैं, 1, 2 और 3, ये तीन डेटा पॉइंट हमारे पास हैं, 1, 2 और 3। इसमें ये भी 2ST के अंदर है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल मीन पे है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वैल्यू आउटसाइड दी
2st है, -2st। तो इट मीन्स कि ये जो कंट्रोल है ये आउट ऑफ कंट्रोल वैल्यू यहां पर आ रही है, क्योंकि ये 2st को क्रॉस कर रही है। और हमने इससे पहले डिस्कस किया कि हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए वो +2st और -2st के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, -2st को क्रॉस कर रही है, तो इसलिए ये कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल वैल्यू है और इसको हमने करेक्ट करना है। फिर इसके बाद एक और रूल है, और वो रूल क्या है, व्हेन यूजिंग ओनली वन कंट्रोल सैंपल, मींस कि आपने एक मर्तबा लगा दिया और उसकी वैल्यूज 2st से आउट आ रही है, आउटसाइड 2st है, तो इसको भी हम आउट ऑफ कंट्रोल वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। मींस कि आपने एक दिन आपके पास 20 डेटा सेट थे या पॉइंट्स थे, फर्स्ट जो डेटा पॉइंट था वो 2st को क्रॉस कर रही है, तो चूंकि 2st को इसने क्रॉस कर दिया इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे और इस वैल्यू को हम कहेंगे कि ये आउट ऑफ कंट्रोल वैल्यू है। नाउ नंबर ऑफ कंट्रोल यूज, तो हमने जैसे ऐसे पहले डिस्कस किया कि हमने 3 किस्म के कंट्रोल लगाने हैं, लो, नॉर्मल और हाई, और फिर हमने उसके LGHRs लगाने हैं। फिर LGHRs लगाने के बाद, बनाने के बाद और रिप्रेजेंट करने के बाद इस पे अप्लाई होती है विस्गार्ड रूल्स, अप्लाई होती हैं। जैसे हमने एक रूल अप्लाई किया कि ये जो वैल्यू है ये इसने 2st को क्रॉस किया तो ये कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है, वैल्यू इसकी आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी तरह ये 3 वैल्यूज थी, अगर एक वैल्यू हमारे पास आया और उसने 2st को क्रॉस किया तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे, तो हम इस पे विस्गार्ड रूल्स अप्लाई करते हैं। तो विस्गार्ड रूल्स के तहत हम कुछ एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं शिफ्ट और ट्रेंड। तो शिफ्ट और ट्रेंड में क्या डिफरेंस है, शिफ्ट ये है कि व्हेन द कंट्रोल इज ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन फॉर 5 कंसेक्यूटिव रन्स, दिस इज नोन एज शिफ्ट। कैसे कि हमारे पास 5 वैल्यूज है, एक वैल्यू आ रही है 192, दूसरी वैल्यू आ गई 192, तीसरी वैल्यू आ गई 191, फिर फोर्थ वन 192, फिर 192, तो 5 वैल्यूज आ गई कंसेक्यूटिव या 6 वैल्यूज आ गई कंसेक्यूटिव एक ही साइड पे, प्लस 1st पे एक ही साइड पे हैं, तो इट मींस दिस इज सिस्टमेटिक एरर। और विस्गार्ड रूल के मुताबिक इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज बेसिकली शिफ्ट, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टमेटिक एरर है, कंट्रोल की वैल्यू बार बार एक ही जगह पे आ रही है, +1st, 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 तो इसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर में इसको कहते हैं शिफ्ट, कि कंट्रोल वैल्यू एक ही साइड पे शिफ्ट है। फिर इसके बाद है ट्रेंड। ट्रेंड क्या चीज है, व्हेन द कंट्रोल इज मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड अपीयर टू बी हेडिंग टूवर्ड्स एन आउट ऑफ कंट्रोल वैल्यू। मीन्स कैसे कि आपके पास ये चार्ट है, SD पहले उसने दी 192 या 191, दूसरी वैल्यू 192, तीसरी वैल्यू 192.5, फिर इसके बाद 193 और पांचवी उसने दी 195, मीन उसने 2st को क्रॉस कर लिया। तो चूंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली कंट्रोल वैल्यूज मूव कर रही है और एंड पे पांचवी मर्तबा या ऑन 6th ओकेशन इसने 2st को क्रॉस किया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रेंड, और ये कंट्रोल भी आउट ऑफ रेंज है, कंट्रोल आउट है, ठीक है ना। तो दो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं सिस्टमेटिक एरर्स के लिए, शिफ्ट और ट्रेंड। तो शिफ्ट क्या है, शिफ्ट के जब आपकी वैल्यू एक ही साइड पे हो और बार बार एक ही वैल्यू दे रही है आपको, तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट। ट्रेंड क्या है कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है और फिर इसके बाद वैल्यू आउट हो जाती है, 2st को क्रॉस कर जाती है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेंड। तो शिफ्ट इन द मीन अकर व्हेन एन एब्रप्ट चेंजेस इज फॉलोड बाय 6 आर मोर कंसेक्यूटिव क्वालिटी रिजल्ट डेल फॉल ऑन वन साइड ऑफ द मीन बट टिपिकली विद इन द 95% रेंज। मीन्स के 2st के अंदर अंदर हो, मीन्स कि 2st 95% मीन्स कि 2st के अंदर है, कि 2st के अंदर अंदर हो
लेकिन एक ही साइड पे कन्फाइंड हो और बार बार वही वैल्यू हमें दे रही है 192, 192, 192, 192.5, लेकिन 2 इज 2 के दरमियान है, तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट। तो इससे पहले हमने एक बात की कि नंबर फर्स्ट जो हमने बात की कि अगर हमारी वैल्यू प्लस और माइनस 2 इज डी के दरमियान हो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसमें फर्दर भी रूल्स अप्लाई हम करते हैं। और वो कौन से रूल्स हैं कि आलो कि हमारी जो वैल्यू है वो 95% रेंज में है, लेकिन एक ही वैल्यू हमें बार बार दे रही है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, और इस रिजल्ट को हमने रिजेक्ट करना है। ट्रेंड अगर व्हेन वैल्यूज ग्रेजुअली बट कंटिन्यूसली मूविंग ऑन वन डायरेक्शन ओवर 6 आर मोर कंसेक्यूटिव रन्स, जैसे इससे पहले हमने बात की शिफ्ट की, लेकिन ट्रेंड क्या है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली, और फिर उसके बाद वो 2 इज ड्यू को क्रॉस कर जाती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। नाउ यूजिंग क्वालिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कि हम क्वालिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। विन क्वालिटी कंट्रोल और वो जब आउट ऑफ रेंज हो तो फिर क्या होगा, नंबर वन टेस्टिंग प्रोसेस शुड बी स्टॉप, जो भी टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज की जो वैल्यू है और ग्लूकोज के जो कंट्रोल है वो आउट है, पेशेंट का सैंपल लगा हुआ है, तो क्या हम पेशेंट को रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे या नहीं, तो द आंसर इज नो, क्योंकि हमारे कंट्रोल आउट है, इसलिए हमने पेशेंट्स को रिपोर्ट नहीं देनी, हमने रिपोर्टिंग को स्टॉप करनी है अनलेस एंड अंटिल हमारे कंट्रोल ठीक ना हो जाए। एंड द टेक्नोलॉजिस्ट मस्ट इमीडिएटली आइडेंटिफाई एंड करेक्ट प्रॉब्लम, तो जो भी प्रॉब्लम है सिस्टमेटिक, चाहे किट में प्रॉब्लम है, प्रोसीजर में प्रॉब्लम है या इंस्ट्रूमेंट पे प्रॉब्लम है, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन टेक्नोलॉजिस्ट आर टेक्नीशियन, उसने उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके लिए करेक्टिव मेजरमेंट्स करनी है। फिर इसके बाद वंस पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड करेक्शन हैव बीन मेड, द कंट्रोल मटेरियल शुड बी रीचेक्ड। टेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया, जो भी एरर्स था उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर इसके बाद क्या करना चाहिए, कंट्रोल मटेरियल को दोबारा एक मरतबा रीचेक करें, अगर अगेन वो टीक आ रहे हैं तो ठीक है, पेशेंट को फिर रिपोर्ट प्रोवाइड कर दें, जब कंट्रोल ठीक हो जाए फिर उसके बाद आपने पेशेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं सैंपल्स हैं वो दोबारा लगाने हैं आफ्टर करेक्शन ऑफ कंट्रोल्स, और फिर उनको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करनी है। सो पेशेंट रिजल्ट्स मस्ट नॉट बी रिपोर्टेड अंटिल द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड एंड द कंट्रोल इंडिकेट प्रॉपर परफॉर्मेंस, जैसे मैंने बात की कि अनलेस एंड अंटिल कंट्रोल आपके ठीक आ गए, फिर इसके बाद आपने पेशेंट का सैंपल दोबारा लर्न करना है और फिर पेशेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि सिस्टमेटिक चाहे शिफ्ट हो या ट्रेंड हो, चाहे शिफ्ट हो या ट्रेंड हो, तो प्रॉब्लम कहां पर है, तो अब टेक्नोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर आ जाती है कि उसने कौन कौन से चीजों को चेक करना है कि प्रॉब्लम कहां पर है। तो पॉसिबल प्रॉब्लम कहां पर हो सकती है, नंबर वन कि आप जो किट यूज कर रहे हैं दैट किट इज इधर एक्सपायर्ड और देयर इज सम प्रॉब्लम इन द किट, ठीक है। रिएजेंट का जो किट है जो यूज हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की हम बात करें अगेन, तो ग्लूकोज के किट को चेक करना चाहिए कि किट कहीं एक्सपायर तो नहीं है, ठीक है। नंबर वन कंट्रोल मटेरियल्स आर डिग्रेडेटेड, या किट आपका बिल्कुल ठीक है लेकिन जो कंट्रोल है वो खराब हो चुके हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है या ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो कंट्रोल मटेरियल इज कंप्लीटली डिग्रेडेटेड, सो अगेन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट करेक्टिव मेजरमेंट फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। फिर इसके बाद जो इंडिविजुअल टेक्नोलॉजिस्ट या जो टेक्नीशियन है जो कि कंट्रोल रन कर रहा है, उसके प्रोसीजर में कोई फर्क तो नहीं है, इसके लिए व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि जो एक्सपर्ट बंदा है ही आर शी शुड बी परफॉर्म द प्रोसीजर, ठीक है। फेलियर टू फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन एक और प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो
किट के साथ एक लिटरेचर आता है वो प्रॉपरली हम ना पढ़ें, क्योंकि जब भी हम कंट्रोल अगर लैपलाइज फॉर्म में हो तो हम उसको पहले लिक्विड फॉर्म में लाते हैं और फिर उसको प्रॉपरली मिक्स करते हैं, तो बाद अवकात मिक्सिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। मैन्युफैक्चरर हमें कहते हैं कि आप उसको रूलर पे रखें, और हम उसको रूलर पे नहीं रखते बल्कि खुद ही उसको मिक्स करते हैं मैनुअली, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ सकती है। एन आउटडेटेड प्रोसीजर मैनुअल, ठीक है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है या कैलिब्रेशन एरर हो सकती है। अगर आपकी कैलिब्रेशन एरर दे रही है और कैलिब्रेशन आउट है तो कंट्रोल कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं। जस्ट रिमेंबर कि जब कैलिब्रेशन आउट हो तो कंट्रोल कभी ठीक हो ही नहीं सकते। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर पर परफॉर्म करने चाहिए, देखने चाहिए कि आया जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके फिर इसके बाद कंट्रोल दोबारा रन करें। जब कंट्रोल दोबारा रन करेंगे कंट्रोल ठीक आएंगे और फिर पेशेंट को आप रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग टूडेज लेक्चर दैट ए क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम फॉर क्वान्टिटेटिव सिस टेस्ट इज एसेंशियल टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द लेबोरेटरी। जितने भी क्वान्टिटेटिव टेस्ट हैं, चाहे कंप्लीट ब्लड काउंट हो, चाहे ग्लूकोज की हो या लिपिड प्रोफाइल हो, ये सारे के सारे क्वान्टिटेटिव टेस्ट हैं। तो इनकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी डिपेंड करती है हमारे क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम पे। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम इसको हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग होने चाहिए, मैनेजर होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए जो कि रिटन पॉलिसी हो, और जो भी एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हो जिसको हम कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, ये उसके हैंडओवर करना चाहिए और वो इसकी लुक आफ्टर करे, देखे कि हमारे जो क्वालिटी है वो किस तरफ मूव कर रही है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल, बट द क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर विल बी अ स्पेसिफिक पर्सन फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। फिर इसके बाद जो LJHRs है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि इधर आवर क्वालिटी इज कंप्रोमाइज्ड और वी आर हैविंग अ गुड क्वालिटी। फिर इसके बाद एक और चीज जो कि बहुत ही जरूरी है कि लेट सपोज कंट्रोल आउट ऑफ रेंज है तो करेक्टिव मेजरमेंट्स लेने चाहिए, जो ट्रबल शूटिंग आई है उसको प्रॉपरली फॉलोअप करना चाहिए, प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाए फिर इसके बाद पेशेंट को रिपोर्ट प्रोवाइड करें। देयरफॉर दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट गुड प्रोटोकॉल्स फॉर ट्रबल शूटिंग एंड करेक्टिव एक्शंस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वालिटी प्रोसेस। रिमेंबर ये लास्ट सेंटेंस, अगर एक लैब इसको फॉलो करे, लास्ट वन गुड प्रोटोकॉल्स एंड फॉर ट्रबल शूटिंग एंड करेक्टिव एक्शंस क्वालिटी के लिए, तो उस लैब की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और पेशेंट को एक वैलिड एक क्वालिटी रिपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।